sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. Sit down. Sit down. दोस्तों आज गुल्ली गुल्ली और सोन ने एक मीट का दुकान खोला है, लेकिन सुबह से आज एक भी कस्टमर नहीं आया है और इस बात का गुल्ली गुल्ली को काफी ज्यादा टेंशन है, क्योंकि गुल्ली गुल्ली ने ये दुकान किसी से कर्ज लेकर खोला है। गुल्ली बोलता, गुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे, मीट तो हमारा बिकी नहीं रहा और हमने जो कल्लू कालिया से कर्ज लिया है इस दुकान को खोलने के लिए, उसका कर्ज हम लोग कैसे चुकाएंगे। गुल्ली बोलता, और वो कल्लू कालिया आता ही होगा, क्योंकि उसने बोला था कि आज शाम में आकर मैं अपने आधे पैसे लेकर जाऊंगा और तुम तो जानते ही हो कि आज हमारा एक रुपए का भी मीट नहीं बिका है। तभी सोन बोलता, अभी गुल्ली गुल्ली तुम उधर क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो कल्लू कालिया अपने पैसे लेने के लिए आता ही होगा। गुल्ली गुल्ली सोन के पास जाते हैं। गुल्ली बोलता, सोन अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। सोन बोलता, वो कैसे गुल्ली गुल्ली, मेरे पास तो कल्लू कालिया को देने के लिए एक रुपए भी नहीं है। गुल्ली बोलता, सोन हम दोनों घर जा रहे हैं और जैसे ही कल्लू कालिया आएगा उसे तुम बोल देना कि यह धंधा बहुत ही अच्छा हुआ है और गुल्ली गुल्ली सर गए हैं और मीट लाने के लिए, और गुल्ली गुल्ली के आते ही तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। सोन बोलता, ठीक है गुल्ली गुल्ली तुम दोनों घर जाओ, कल्लू कालिया को मैं संभाल लूंगा। और फिर गुल्ली गुल्ली अपने स्कूटर पर बैठ कर वहाँ से घर चले जाती है। और अब सोन यहाँ पर बिल्कुल अकेला है। सोन बोलता है, अगर वो कल्लू कालिया मुझे आकर मारने लगा तो मैं क्या करूँगा, और अब मुझे बचाने के लिए तो गुल्ली गुल्ली भी नहीं है, लेकिन मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक डंडा भी है और अगर उसने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे इसी डंडे से मारूंगा। और इधर कल्लू कालिया भी अपना पैसा लेने के लिए आ चुका है। सोन इस कल्लू कालिया का ऐसा शरीर देख के तो काफी से डर चुका है। सोन बोलता, ये इंसान है या भैंसा। सोन बोलता, इसे मैं क्या, इसे तो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं मार सकता। और फिर कल्लू कालिया सोन के पास जाता है और वो बोलता है, मुझे मेरा पैसा दो। सोन बोलता है, आज धंधा बहुत ही अच्छा हुआ है और गुल्ली गुल्ली और मीट लाने के लिए शहर गए हैं और वो जैसे ही आएंगे वो तुम्हारा पैसा तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारेंगे। कल्लू कालिया बोलता है, अगर मेरा पैसा सुबह तक नहीं मिला तुम और तुम्हारी दुकान को मैं कबाड़ कर फेंक दूंगा। सोन डर के मारे कुछ भी नहीं बोलता और इतना बोलकर वो कल्लू कालिया वहाँ से जाने लगता है। कल्लू कालिया अपनी बाइक को स्टार्ट करता ही है तभी पीछे से एक बहन आता है और कल्लू कालिया को उड़ा देता है। इतनी जोरदार टक्कर से कल्लू कालिया तो वहीं पर बेहोश हो चुका है। सोन बोलता है, इतनी तेज आखिरकार कौन बहन चला रहा है और इसने तो कल्लू कालिया को ठोक डाला है। और फिर बहन से खूनी पिग निकलता है और कल्लू कोयले के पास जाकर देखने लगता है। अरे ये क्या, कल्लू कोयला में तो अभी भी थोड़ा जान बचा हुआ है। खूनी पिग को डरे, अगर ये जिंदा बच गया तो इसे खूनी पिग को खतरा है, इसीलिए खूनी पिग अपने बैट से कल्लू कालिया को मारने लगता है। सोन ये सब नजारा दूर से देख रहा होता है। सोन बोलता है, ये क्या, एक तो इस सुअर जैसे दिखने वाले इंसान ने कल्लू कालिया को धक्का मारा है और उल्टा वो कल्लू कालिया को जाकर मार भी रहा है, मुझे कल्लू कालिया की मदद करनी चाहिए। और फिर सोन दौड़ कर जाता है और खूनी पिग को पीछे से रोकने लगता है। सोन बोलता, रुक जाओ, तुम आखिरकार उसे क्यों मार रहे हो, गलती तुम्हारी है उसकी नहीं। खूनी पिग रुक जाता है और पलटकर सोन को देखने लगता है। अरे ये क्या, खूनी पिग ने तो सोन को मार मार कर बेहोश कर दिया है और आखिरकार ये खूनी पिग सोन को कहां लेकर जा रहा है। और इधर खूनी पिग के मार के कारण कल्लू कालिया की मौत हो चुकी है और इधर गुल्ली गुल्ली घर पहुंच चुके हैं। गुल्ली बोलता, गुल्ली हमने सोन को वहां अकेले छोड़कर अच्छा नहीं किया, पता नहीं वो कल्लू कालिया सोन का क्या हाल किया होगा। गुल्ली बोलता, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो बुल्ली, हमें सोन को वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कल्लू कालिया कितना खतरनाक आदमी है। बुल्ली बोलता है, हमें कल्लू कालिया से हम सबको मिलकर बात करना चाहिए और हमें उससे कुछ दिनों की और मोहलत मांग लेनी चाहिए। गुल्ली बोलता है, बुल्ली जल्दी से सोन को फोन करो और उसे बोलो हम लोग आ रहे हैं। बुल्ली झट से फोन निकालता है और सोन को फोन लगाने लगता है, लेकिन सोन का फोन तो बंद आ रहा है। गुल्ली बोलता है, क्या हुआ बुल्ली, सोन से बात हुई क्या। बुल्ली बोलता है, सोन का फोन बंद आ रहा है।
और मुझे सोन की बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही है। गुल्ली बोलता, चिंता तो मुझे भी हो रही है बुल्ली, कहीं वो कल्लू कालिया ने सोन का अंजर पंजर तो ढीला नहीं कर दिया। बुल्ली बोलता, हमें वहाँ पर जल्दी से जाकर देखना होगा। गुल्ली बोलता है, गाड़ी स्टार्ट कर। ही बुल्ली वहाँ से सोन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। गुल्ली बोलता है, गाड़ी थोड़ा और तेज चलाओ बुल्ली, हमें सोन के पास जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। बुल्ली बोलता है, तुम चिंता मत करो गुल्ली, अगर उस कल्लू कालिए ने हमारे सोन को छूने की कोशिश भी की तो हम उसे शैतान चौराहे पर लंगा कर कर मारेंगे और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली थोड़ी ही देर में अपने दुकान के पास पहुंच जाते हैं। बुल्ली अपने स्कूटर को साइड में लगाता है और वो दोनों अपने दुकान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। बुल्ली बोलता है, आखिरकार सोन ये दुकान छोड़कर कहां चला गया, कहीं सोन कल्लू कालिए के डर से ये दुकान छोड़कर भाग तो नहीं गया। गुल्ली बोलता है, ये कैसे हो सकता है बुल्ली, सोन हमारा इतना मीटर फूक नहीं है। बुल्ली बोलता है, तो आखिरकार सोन ये दुकान छोड़कर कहां जा सकता है। गुल्ली बोलता है, सोन हमारा जरूर यहीं कहीं पर होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली इधर उधर देखने लगते हैं। बुल्ली बोलता है, गुल्ली जरा वहां पर देखो, वहां पर किसी की बाइक गिरी हुई है और वहां पर कोई गिरा हुआ भी है, लगता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। गुल्ली बोलता है, चलो आगे चलकर देखते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली दौड़कर वहां पर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है, ये किया, ये तो कल्लू कालिया है। बुल्ली बोलता है, अगर कल्लू कालिया यहाँ पर है तो सोन कहाँ है। गुल्ली बोलता है, सोन का पता हम लोग बाद में लगा लेंगे, सबसे पहले तो हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। बुल्ली बोलता है, रुको मैं अभी एम्बुलेंस को फोन लगाता हूँ। और फिर गुल्ली एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। और फिर थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आती है और कल्लू कालिया को ले जाती है। बुल्ली बोलता है, कल्लू कालिया का तो इंतजाम हो गया, अब पता लगाते हैं कि आखिरकार सोन गया कहाँ। गुल्ली बोलता है, सोन का पता मैं एक मिनट में लगा सकता हूँ। बुल्ली बोलता है, वो कैसे गुल्ली। गुल्ली बोलता है, इधर आओ बुल्ली, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो मैंने दुकान के बाहर पहले से ही कैमरा लगा दिया था और इस कैमरे की मदद से पता चल जाएगा कि आखिरकार सोन गया कहाँ। और फिर गुल्ली बुल्ली दुकान के अंदर चले जाते हैं और अपने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। गुल्ली बोलता है, ये तो खूनी पिग है और ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसके सामने जो कोई भी जाता है उसे ये शायद ही छोड़ता है। बुल्ली बोलता है, ये खूनी पिग अब बचने वाला नहीं है, इसने मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया और मेरे दोस्त के हाथ लगाने वालों का मैं हाथ काट दूंगा। गुल्ली बोलता है, हमारे दोस्त को हाथ लगाने वालों का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला। बुल्ली बोलता है, शांत हो जाओ गुल्ली, सबसे पहले तो हमें जिस तरफ खूनी पिग गया है उसी तरफ जाकर खूनी पिग को खोजना होगा। गुल्ली बोलता है, जल्दी चलो बुल्ली, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं इस खूनी पिग का गला काटने के लिए बेताब हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली दुकान से बाहर आ जाते हैं और जिस तरफ खूनी पिग की गाड़ी गई है उसी तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। खूनी पिग मैं आ रहा हूँ। गुल्ली बोलता है, बुल्ली गाड़ी को तुम थोड़ा आराम से चलाओ क्योंकि यहीं कहीं खूनी पिग हो सकता है और ये रास्ता हमारे लिए नया भी है। बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें इधर उधर ध्यान देते रहना चाहिए। गुल्ली बोलता है, बुल्ली आखिरकार ये खूनी पिग सोन को ले कहाँ जा सकता है। बुल्ली बोलता है, मैंने सुना है ये खूनी पिग बहुत ही खतरनाक सुअर है और मैंने तो ये भी तक सुना है ये अपने शिकार को घर लेकर जाता है और उसे गर्म पानी में उबालकर खा जाता है। गुल्ली बोलता है, इससे पहले कि वो खूनी पिग सोन को उबालकर खा जाए हमें खूनी पिग के पास पहुंचकर सोन को बचाना होगा। बुल्ली बोलता है, ये रास्ता मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है और ये रास्ते में तो हम लोग पहली बार भी आए हैं। गुल्ली बोलता है, बुल्ली ये वक्त डरने का नहीं है, हमें अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर खूनी पिग से बचाना है। तभी बुल्ली अपने स्कूटर को वहीं पर रोक देता है। गुल्ली बोलता है, क्या हुआ बुल्ली, तुम आखिरकार स्कूटर को यहाँ पर क्यों रोक दिए। बुल्ली बोलता है, गुल्ली जरा तुम वहाँ पर देखो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये रास्ता खूनी पिग का है और इस रास्ते में जाना मना है क्योंकि खूनी पिग एक दरिंदा है और उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। गुल्ली बुल्ली ये देखकर तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन लोगों का तो खूनी पिग का नाम सुनकर ही डर के मारे पसीने छूट रहे हैं। गुल्ली बुल्ली स्कूटर को वहीं पर साइड में लगा देते हैं। बुल्ली बोलता है, अब करना क्या है गुल्ली। गुल्ली बोलता, करना क्या है, हम लोग बिल्कुल सही रास्ते से जा रहे हैं, हमें इसी रास्ते में खूनी पिग का ठिकाना मिलेगा और खूनी पिग का पता चलते ही हम लोग चुपके से सोन को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। गुल्ली बोलता है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो गुल्ली, हम लोग को संभल कर रहना होगा,
क्योंकि अगर वो खूनी पिग ने हमें देख लिया तो वो हम लोग का हाल भी सोन के जैसा ही करेगा। गुल्ली बोलता है, बुल्ली ये सब बोलकर मुझे डराओ मत, पहले से ही मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। अब बातें बंद करो और चलो खूनी पिग का पता लगाते हैं, चलो इसी रास्ते से चलते हैं। और अब गुल्ली बुल्ली खूनी पिग के इलाके में घुस चुके हैं। दोस्तों आप लोग को शायद पता नहीं है कि खूनी पिग कितना खतरनाक है, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को मारा है और इसका अंदाजा तो आप लोग जमीन पर पड़े हुए कंकालों को देखकर तो लगा सकते हैं। बुल्ली बोलता है, ये देखो गुल्ली, खूनी पिग ने कितने सारे मासूम लोगों को मारा है, बेचारों की हड्डियां अभी भी यहीं पर पड़ी हुई है। मुझे तो लग रहा है कि हमारी हड्डियां भी इन्हीं लोगों में शामिल होने वाली है। गुल्ली बोलता है, अपना मुंह बंद करो बुल्ली और शांति से आगे चलो। गुल्ली की डांट सुनकर बुल्ली अपना मुंह बंद कर लेता है और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि आगे एक वैन लगा हुआ है। बुल्ली बोलता है, ये तो खूनी पिग की वैन है और ये घर भी लगता है कि खूनी पिग का ही है, जरूर इसके अंदर सोन होगा, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। गुल्ली बोलता है, ज्यादा हड़बड़ाओ मत बुल्ली, तुम्हें पता है ना कि ये घर किसका है, और अगर खूनी पिग ने हमें देख लिया तब तो हमारा गेम खत्म है। बुल्ली बोलता, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो गुल्ली, लेकिन खूनी पिग अपने शिकार को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं छोड़ता। गुल्ली बोलता है, ये सब हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले तो हमें इस बहन की तलाशी लेनी होगी, कहीं सोन इस बहन के अंदर ही तो नहीं। बुल्ली बोलता, ठीक है गुल्ली, चलो हम लोग इस बहन के अंदर देखते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली उस बहन की तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन इस बहन के अंदर तो कोई भी नहीं है। बुल्ली गुल्ली के पास जाता है और बोलता है, जरूर सोन इस घर के अंदर ही होगा। गुल्ली बोलता है, लेकिन आखिरकार हम लोग इस घर के अंदर जाएंगे कैसे। बुल्ली बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर बुल्ली वहाँ पर लगे पॉल पर चढ़कर खूनी पिग के घर के अंदर देखने की कोशिश करता है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली तुम्हें अंदर कुछ दिखाई दे रहा है। बुल्ली बोलता है, वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ गुल्ली। तभी बुल्ली का हाथ छूटता है और वो नीचे गिर जाता है, और बुल्ली के नीचे गिरने के कारण वहाँ पर पड़ा हुआ डब्बा भी नीचे गिर जाता है। गुल्ली बोलता है, ये क्या कर दिया बे बुल्ली, अब वो खूनी पिग यहाँ पर आता ही होगा, जल्दी यहाँ से भागो इससे पहले कि खूनी पिग यहाँ पर आ जाए। गुल्ली बुल्ली वहीं पर झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं, और ये खूनी पिग भी डब्बे के गिरने की आवाज से बाहर आ चुका है। खूनी पिग बाहर आता है और वो सीधा डब्बे के पास जाकर देखने लगता है, और इधर गुल्ली बुल्ली खूनी पिग को झाड़ियों में से छिप कर देख रहे हैं। लगता है कि खूनी पिग को शक हो चुका है कि उसके घर पर किसी ने नजर डाल दिया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, इसीलिए खूनी पिग वापस घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से झाड़ियों की हिलने की आवाज आने लगती है। खूनी पिग पीछे मुड़कर देखने लगता है और इस झाड़ी के पीछे तो गुल्ली बुल्ली है, और गुल्ली बुल्ली भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। अरे ये क्या, खूनी पिग तो झाड़ी की तरफ ही जा रहा है, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली का, लगता है कि गुल्ली बुल्ली आज खूनी पिग के शिकार हो जाएंगे। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लगता है कि गुल्ली बुल्ली यहाँ से निकल चुके हैं। खूनी पिग वापस अपने घर के अंदर चला जाता है, गुल्ली बुल्ली तो इधर छुपे हुए हैं। गुल्ली बोलता है, अभी तो हम लोग मरते मरते बचे हैं, अगर खूनी पिग हमें देख लेता तो वो हमें अपने बाइट से मार मार कर कीमा बना देता। बुल्ली तो डर के मारे कांप रहा है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली तुम डरो मत, तुम्हें पता है ना कि हम लोग के सर पर बाबा लंगोटी लाल का आशीर्वाद है और हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली शांत हो जाता है। बुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब देखो मैं इस खूनी पिग का क्या हाल करता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन को बचाने के लिए खूनी पिग के घर की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। गुल्ली खिड़कियों में से झांक कर सोन को देखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर तो काफी ज्यादा अंधेरा है और गुल्ली को कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। बुल्ली बोलता है, गुल्ली हम लोग इस घर के अंदर जाएंगे कैसे, और अंदर तो पूरा अंधेरा है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली तुम जरा धीरे बोलो, अगर खूनी पिग को पता चल गया कि हम लोग उसके घर के आसपास मंडरा रहे हैं तो फिर वो हम पर भी हमला कर सकता है। बुल्ली बोलता है, ठीक है गुल्ली चलो हम लोग इस घर के पीछे चलते हैं, जरूर पीछे कोई ना कोई रास्ता होगा अंदर जाने का। गुल्ली बोलता, हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन जरा ध्यान से। और फिर गुल्ली बुल्ली खूनी पिग के घर के पीछे चले जाते हैं। गुल्ली बोलता, गुल्ली उधर कोई है। गुल्ली बोलता, उधर कौन हो सकता है बुल्ली, जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा, डरना बंद करो और इस घर के अंदर मुझे खूनी पिग को देखने दो। और इतना बोलकर गुल्ली एक बार फिर से घर के अंदर देखने लगता है। बुल्ली बोलता, गुल्ली उधर कोई है, मैंने अभी उधर कुछ हिलते हुए देखा है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हमें शेर को डरा के दिखा।
गुल्ली बोलता ये तो खूनी पिग है। बुल्ली बोलता तो यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, यहाँ से भागो, नहीं तो ये खूनी पिग हम लोग को बहुत मारेगा। इतना बोलकर गुल्ली बुल्ली यहाँ से भागने लगते हैं और ये खूनी पिग भी उनके पीछे पीछे भागता है। गुल्ली बोलता बुल्ली और तेज भागो, ये खूनी पिग हमारे पीछे ही है। तभी खूनी पिग छलांग लगाता है और बुल्ली को दबोच लेता है। गुल्ली वहीं पर रुककर पीछे मुड़कर देखने लगता है। गुल्ली को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि खूनी पिग पागल हो गया है और लगता है कि ये आज बुल्ली को छोड़ने वाला नहीं है। बुल्ली डर के कारण काफी ज्यादा चिल्ला रहा है, बुल्ली बचाओ। गुल्ली बोलता है ये जंगली सुअर से मैं बुल्ली को कैसे बचाऊं। बुल्ली इधर उधर देखता है, उसे एक डंडा दिखता है, वो डंडा को उठाता है और खूनी पिग को मारने लगता है। खूनी पिग तो दर्द के कारण काफी ज्यादा चिल्ला रहा है। गुल्ली बोलता बुल्ली तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, यहाँ से भागो, नहीं तो ये खूनी पिग एक बार फिर से हम पर हमला कर देगा। गुल्ली के बोलते ही बुल्ली वहां से उठता है और फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली भागते भागते वहां से एक गांव में चले जाते हैं। ये गांव तो काफी ज्यादा वीराना लग रहा है, लगता है कि इस गांव में एक भी आदमी नहीं रहता, शायद सारे लोग खूनी पिग के डर से यहां से चले गए हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली ये गांव तो पूरा खाली लग रहा है, हमें जल्दी से किसी घर के अंदर जाकर छिपना होगा, नहीं तो वो खूनी पिग यहाँ पर आता ही होगा। बुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली उस घर का दरवाजा खुला हुआ है, हम लोग उस घर के अंदर जाकर छिप जाते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जल्दी से मेरे पीछे आओ। गुल्ली बुल्ली उस टूटे हुए दरवाजे को बंद कर उस टूटे हुए दरवाजे के अंदर से देखने लगते हैं और इधर वो खूनी पिग भी आ चुका है और ये खूनी पिग तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है और ये गुल्ली बुल्ली को ही खोज रहा है। लगता है कि आज गुल्ली बुल्ली की खैर नहीं। और फिर खूनी पिग एक एक कर सारे घर की तलाशी लेने लगता है। बुल्ली बोलता गुल्ली ये खूनी पिग सारे घर की तलाशी ले रहा है और अगर ये इस घर की भी तलाशी लेगा तो हम लोग तो पकड़े जाएंगे और ये खूनी पिग तुम्हारे मार के कारण तो काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा है। गुल्ली बोलता बुल्ली ये तो मुझे भी डर लग रहा है, मुझे सोचने दो कि हमें क्या करना चाहिए। बुल्ली बोलता गुल्ली जल्दी कुछ सोचो, ये खूनी पिग इधर ही आ रहा है। गुल्ली बोलता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुल्ली जल्दी सोचो वो इधर ही आ रहा है। और फिर खूनी पिग उस घर के दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, खूनी पिग देखता है कि अंदर तो पूरा कमरा खाली है, आखिरकार गुल्ली बुल्ली कहाँ चले गए। अरे ये दोनों तो इस दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं। खूनी पिग की ऐसी भयानक आवाज को सुनकर गुल्ली बुल्ली को तो डर के कारण पसीने छूट रहे हैं। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली चलाकी दिखाते हैं, वो दोनों घर से बाहर निकलकर दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी से कोई बड़ा पत्थर लाओ, नहीं तो ये खूनी पिग दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाएगा, तब तक मैं इस दरवाजे को पकड़कर रखता हूँ। खूनी पिग गुल्ली बुल्ली की ऐसी हरकत को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने बैट से दरवाजे को मारकर तोड़ने लगता है। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी करो, नहीं तो ये सुअर दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाएगा। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया है, भैंस की टांग। गुल्ली तो बुल्ली को इतना बड़ा पत्थर उठाता देख दंग रह गया है। बुल्ली बोलता गुल्ली इतना बड़ा पत्थर ठीक है या फिर और बड़ा लाओ। गुल्ली बोलता बस कर पगले, रोलाएगा क्या, यही बहुत है। और फिर गुल्ली साइड हो जाता है और बुल्ली उस दरवाजे के बाहर पत्थर रख देता है। गुल्ली बुल्ली तो इस घर के बाहर इतना बड़ा पत्थर रख के काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। बुल्ली बोलता है इतने बड़े पत्थर को रहते हुए ये क्या, इसका बाप भी दरवाजे को नहीं खोल पाएगा। गुल्ली बोलता बुल्ली ये तो तुमने इसे यहाँ पर बंद कर दिया, नहीं तो ये मेरे हाथों से बचने वाला नहीं था। बुल्ली बोलता गुल्ली तो ठीक है, मैं अभी इस पत्थर को हटाता हूँ, तुम जल्दी से इस खूनी पिग को मारो। गुल्ली बोलता बुल्ली मैंने तो मजाक किया था, तुम तो सीरियस ले लिए। बुल्ली बोलता मैं कौन सा सीरियस हूँ, मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ। बुल्ली कितना बोलते ही गुल्ली बुल्ली दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन इधर ये खूनी पिग गुस्से से लाल हो चुका है, ये दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। गुल्ली बोलता हंसना बंद करो बुल्ली, नहीं तो ये जंगली सुअर बाहर आ गया तो फिर ये हंसेगा और हम लोग रोएंगे। बुल्ली बोलता नहीं गुल्ली, ये खूनी पिग इस पत्थर को नहीं हटा पाएगा, ये पत्थर काफी ज्यादा भारी है, इस पत्थर को उठाते उठाते तो मेरा हवा निकल गया। गुल्ली बोलता तो धीरे किस बात की बुल्ली, जल्दी चलो अब खूनी पिग के घर में जाकर हम लोग सोन को ला सकते हैं, जरूर ना जरूर सोन खूनी पिग के घर के अंदर ही होगा। बुल्ली बोलता तो ठीक है गुल्ली जल्दी चलते हैं, मुझे सोन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, इससे पहले कि कोई नई मुसीबत आए। और फिर गुल्ली बुल्ली वहां से खूनी पिग के घर की तरफ निकल जाते हैं।
और इधर ये खूनी पीक दरवाजे को तोड़ तोड़ कर परेशान हो गया, लेकिन दरवाजा तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी खूनी पीक को घर के पीछे वाला खिड़की दिखता है और वो खिड़की को देख कर जोर जोर से हंसने लगता है। और इधर गुल्ली बुल्ली खूनी पीक के घर के बाहर आ चुके हैं। गुल्ली बोलता, बुल्ली अब हम लोग को सोन को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। बुल्ली बोलता, अब हम लोग बोल बच्चे नहीं करते रहेंगे या फिर अंदर चलकर सोन को बचाएंगे भी। और फिर गुल्ली बुल्ली खूनी पीक के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद गुल्ली बुल्ली तो देखते हैं कि सोन टेबल पर पड़ा हुआ है। बुल्ली बोलता, अगर हम लोग टाइम पर नहीं आते तो सोन अभी भगवान को प्यारा हो जाता। गुल्ली बोलता है, अब सोन को यहाँ से सीधे बाबा के पास लेकर चलते हैं, बाबा ही अब इसका इलाज करेंगे। बुल्ली बोलता है, कहीं सोन मर तो नहीं गया। गुल्ली बोलता, अपनी मनहूस बातें बंद करो। और फिर गुल्ली सोन को अपने पीठ पर उठा लेता है और फिर ये तीनों इस घर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली खूनी पीक को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और खूनी पीक तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। बुल्ली बोलता, गुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे, ये खूनी पीक तो सामने ही खड़ा है, अब ये हमें छोड़ेगा नहीं और मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, अब तुम्हें कुछ सोचो। गुल्ली बोलता, बुल्ली तुम शांत हो जाओ, अभी मैं इसे डराने की कोशिश करता हूँ। गुल्ली बोलता है, तुम हम लोग को छूने की सोचना भी मत वरना हम लोग तुम्हारी वो हाल करेंगे जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। बुल्ली बोलता, गुल्ली तुम देख क्या रहे हो, साले को मारो यहीं पर, काफी देर से हम लोग को ये डरा रहा है। लेकिन ये खूनी पीक तो डरने का नाम ही नहीं ले रहा। बुल्ली बोलता, गुल्ली ये तो डरने का नाम ही नहीं ले रहा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है गुल्ली, अब ये हम लोग को मार देगा। गुल्ली बोलता है, तुम्हें क्या, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और फिर खूनी पीक धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों मुझे तो लगता है कि अब ये खूनी पीक गुल्ली बुल्ली को मार देगा। तभी गुल्ली सोन को खूनी पीक की तरफ फेंक के मारता है जिससे कि सोन और खूनी पीक वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं। गुल्ली बोलता, बुल्ली जल्दी से यहाँ से भागो, इससे अच्छा मौका हम लोग को नहीं मिलेगा। और फिर गुल्ली बुल्ली वहाँ से रोड की तरफ भागने लगते हैं। बुल्ली बोलता, गुल्ली तुमने सोन के साथ अच्छा नहीं किया, तुम खुद को बचाने के लिए सोन को खूनी पीक के हवाले कर दिए। गुल्ली बोलता, बुल्ली खूनी पीक से बचने का अच्छा तरीका मुझे नहीं मिल रहा था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो हम तीनों को वहीं पर मार देता। बुल्ली बोलता है, तो अब हम लोग सोन को कैसे बचाएंगे। गुल्ली बोलता है, मेरे पास एक उपाय है, हम लोग यहाँ से सीधे बाबा के पास जाते हैं। बुल्ली बोलता, गुल्ली आगे देखो, आगे एक टुक टुक गाड़ी लगा हुआ है, चलो हम लोग उसी गाड़ी से चलते हैं, हम लोग बाबा के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। गुल्ली बुल्ली जाते हैं और उस टुक टुक में बैठ जाते हैं। बुल्ली बोलता है, जल्दी से हम लोग को काली घाट के पहाड़ पर लेकर चलो। गुल्ली बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, हमारे पीछे खूनी पीक पड़ा हुआ है और अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो हमारे साथ तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए यहाँ से जल्दी चलो, वो आता ही होगा। और फिर गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को शायद पता नहीं कि ये गाड़ी कोई और नहीं बल्कि ग्रैनी चला रही है। और गुल्ली बुल्ली ग्रैनी की गाड़ी में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं जिसका परिणाम गुल्ली बुल्ली की मौत है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली अगर बाबा काली घाट के पास नहीं मिले तो हम लोग बाबा को कहाँ खोजेंगे। गुल्ली बोलता, नहीं बुल्ली बाबा जरूर वहीं पर होंगे क्योंकि बाबा वहाँ पर रोज रात को तपस्या करते हैं और आज भी बाबा वहीं पर होंगे। बुल्ली बोलता है, मुझे सोन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, पता नहीं वो खूनी पीक सोन का क्या हाल किया होगा। गुल्ली बोलता, तुम परेशान मत हो बुल्ली, अगर उस खूनी पीक ने सोन को जरा सा भी नुकसान पहुँचाया तो बाबा उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। बुल्ली बोलता है, वो सब तो ठीक है लेकिन हम लोग बाबा के पास जल्दी पहुँचेंगे तो ना, देखो ये गाड़ी को कितनी धीरे चला रहा है। गुल्ली पीछे से ग्रैनी को मारता है और बोलता है, गाड़ी को थोड़ा और तेज चला। गुल्ली के मार के कारण ग्रैनी गाड़ी को थोड़ा और तेज कर देती है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुम्हें ये रास्ता कुछ नया नहीं लग रहा, हम लोग इस रास्ते पर पहले कभी भी नहीं आए हैं और मुझे ये नहीं लगता कि ये रास्ता कालीघाट की पहाड़ी पर जाता है। गुल्ली बोलता है, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो बुल्ली, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, रुको मैं अभी इस गाड़ी वाले से ही पूछता हूँ। गुल्ली बोलता है, आखिरकार तुम हम लोग को कहाँ लेकर जा रहे हो और ये रास्ता तो हम लोग के लिए बिल्कुल नया है, मैंने तो तुम्हें कालीघाट की पहाड़ी पर लेकर जाने के लिए बोला था लेकिन तुम हम लोग को कहाँ लेकर जा रहे हो। ग्रैनी कुछ भी नहीं बोलती और वो अपनी गाड़ी को और तेज कर देती है। बुल्ली बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि हम लोग क्या कह रहे हैं। गुल्ली बोलता है, ये ऐसे नहीं समझेगा, रुको अभी मैं इसका इलाज करता हूँ। गुल्ली बुल्ली ग्रैनी को देख के तो काफी ज्यादा डर चुके हैं और उन लोगों का मुंह बिल्कुल फटा का फटा है। ग्रैनी अपनी गाड़ी को सीधे एक सुनसान जंगल में रोकती है और फिर गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी उस गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं।
ग्रैनी तो गुल्ली बुल्ली को ही घूर रही है और गुल्ली बुल्ली ग्रैनी को देख के काफी ज्यादा डरे हुए हैं। गुल्ली बोलता, ग्रैनी हमें छोड़ दो, मैं पुरानी दुश्मनी को भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। बुल्ली तो ग्रैनी से डर के मारे कांप रहा है। गुल्ली बोलता, ग्रैनी हमें यहाँ से जाने दो, हमारे पीछे खूनी पिक पड़ा हुआ है और अगर वो खूनी पिक यहाँ पर आ गया तो वो हम तीनों को मार देगा, इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। वो मुझे नहीं बल्कि तुझे मारेगा। और इतना बोलकर ग्रैनी जोर जोर से हंसने लगती है। बुल्ली बोलता है, ये हंस क्यों रही है? गुल्ली बोलता है, लगता है कि ये ग्रैनी भी खूनी पिक से मिली हुई है और हमें इस सुनसान जंगल में लाने के लिए ग्रैनी और खूनी पिक का बहुत बड़ा प्लान है। बुल्ली बोलता है, इसका मतलब कि वो खूनी पिक यहाँ पर आता ही होगा। तभी वहाँ पर चेनसो की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता, बुल्ली खूनी पिक आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है और अब हम लोग की खैर नहीं। और अब खूनी पिक भी आ चुका है और खूनी पिक के हाथ में तो चैनसो है, इसका मतलब साफ है कि आज गुल्ली बुल्ली का आखिरी दिन है। खूनी पिक आता है और ग्रैनी के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। गुल्ली बुल्ली की इतनी डरे हुए चेहरे को देखकर ग्रैनी और खूनी पिक जोर जोर से हंसने लगते हैं। बुल्ली बोलता है, मारना है तो मार दो लेकिन इतनी भयानक हंसी से हमें डराओ मत। ग्रैनी बोलती, इतनी जल्दी भी क्या है, तुम लोगों ने हमारी बिरादरी वालों को उस बुड्ढे से बहुत पिटवाया है और अब तो इतनी सुनसान घने जंगल में वो बुड्ढा भी नहीं आ सकता, अब तुम लोग को कौन बचाएगा। गुल्ली आगे आता है और बोलता है, मैं तुम लोग का कब से सुन रहा हूँ, अब बहुत हुआ, अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हल करता हूँ। बुल्ली बोलता, गुल्ली ये तुम क्या बोल रहे हो, पीछे आ जाओ नहीं तो वो लोग हमें बहुत मारेंगे। गुल्ली बोलता, नहीं बुल्ली मैं इन लोगों को कब से देख रहा हूँ, अब देखो मैं इन लोगों का क्या हल करता हूँ। गुल्ली आगे बढ़ता है और ग्रैनी पर घूसों की बरसात कर देता है। और फिर ग्रैनी गुल्ली बुल्ली को रस्सी से बांध देती है। ग्रैनी बोलती है, लगता है कि तुम लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, जो तुम लोग ने मुझ पर हाथ उठाया, अब देखो खूनी पिक तुम लोगों का क्या हाल करता है। और फिर ग्रैनी बोलती है, खूनी पिक इन लोगों को वो हाल करो कि वो बुड्ढा भी हम लोगों से भिड़ने से पहले 10 बार सोचे। और फिर खूनी पिक अपने चैनसो को स्टार्ट कर देता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। गुल्ली बोलता, खूनी पिक तुम तो हमें मार दोगे लेकिन बाबा को जरा से भी भनक पड़ गया कि तुमने हम लोगों को मारा है तो वो तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाएंगे। गुल्ली की बात सुनकर खूनी पिक वहीं पर रुक जाता है और ग्रैनी की तरफ देखने लगता है। ग्रैनी बोलता, क्या हुआ, तुम उसकी बात सुनकर डर गए, उसकी बात पर ध्यान मत दो और उसे मार दो। बुल्ली बोलता, क्या ये जंगली सुअर हम लोग को मारेगा, अगर बाबा को थोड़ा सा ही पता चल गया कि ये हम लोग को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है तो बाबा इस सुअर को इसी चैनसो से काट देंगे। ग्रैनी बोलती, ये लोग तुम्हें लगातार डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बात पर ध्यान मत दो और इसे काट दो। और फिर खूनी पिक अपने चैनसो को स्टार्ट करता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। खूनी पिक को अपनी तरफ आता देख गुल्ली बुल्ली के चेहरे पर तो साफ साफ डर देखा जा सकता है। खूनी पिक जैसे ही गुल्ली को काटने जा ही रहा होता है तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ खूनी पिक। ग्रैनी और खूनी पिक दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो रॉड है और रॉड तो गुल्ली बुल्ली को बचाने आया है। रॉड को देखने के बाद तो गुल्ली बुल्ली के चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है। गुल्ली बोलता, रॉड तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, अब जल्दी से इन लोगों की सुटाई चालू करो, इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। रॉड बोलता है, तुम लोग चिंता मत करो, अब मैं आ चुका हूँ, अब मैं भी देखता हूँ कि अब तुम लोगों को कौन हाथ लगाता है। ग्रैनी बोलती, ये जोकर के जैसा दिखने वाला इंसान अब हम लोग को मारेगा, रुको इसे तो मैं अकेला ही देख लेती हूँ। और फिर ग्रैनी अपने बैट को लेकर रॉड की तरफ बढ़ती है और रॉड भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अरे ये क्या, रॉड तो इस ग्रैनी के सामने टिकी नहीं पाया और ग्रैनी के मार के कारण रॉड जमीन पर लेटा हुआ है। खूनी पिक आता है और अपना पैर रॉड के चेहरे पर रख देता है। ग्रैनी और खूनी पिक रॉड की ऐसी हाल को देखकर हंसने लगते हैं। रॉड बोलता है, तुम लोग को जितना हंसना है हंस लो क्योंकि अब थोड़ी ही देर में तुम लोग की हंसी आंसू में बदलने वाली है। ग्रैनी बोलती है, ये क्या तुम बोल रहे हो, तुम तो खुद अभी जमीन पर लेटे हुए हो और इतना किसमें हिम्मत आ गया जो हम लोग को रोला दे। रॉड बोलता है, तुम लोग को रोलाने वाला सिर्फ एक ही है और वो है बाबा लंगोटी लाल, और मैंने बाबा लंगोटी लाल को फोन कर दिया है, वो किसी वक्त यहाँ पर आते ही होंगे। रॉड की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली के चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है। बुल्ली बोलता, अब तुम लोग को कौन बचाएगा। गुल्ली बोलता, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, देखो हवाएं चलने लगी है
लगता है कि तुम्हारा बाप आ रहा है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब इधर बाबा जंगल में एंट्री मार चुके हैं। गुल्ली बोलता, इधर क्या देख रहे हो, पीछे देखो आ गया तुम्हारा बाप। ग्रेनी जैसे ही पीछे देखती है, बाबा उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं, जिससे कि ग्रेनी दूर जाकर गिरती है। गुल्ली बोलता, बाबा अभी सुअर को ही मारो, इसने हमें बहुत परेशान किया है और इन लोगों ने मिलकर पता नहीं सोन को भी कहां रखा है। बाबा बोलते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, अभी ग्रेनी खुद सोन को लेकर यहां पर आएगी। गुल्ली बोलता, वो कैसे बाबा? बाबा जमीन पे पड़ा हुआ ग्रेनी का बैट उठाते हैं और ग्रेनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लगता है कि अब ग्रैनी की खैर नहीं, और फिर बाबा ग्रैनी के पीठ पर जाकर बैठ जाते हैं और उसके बैट से ही ग्रैनी के खोपड़ी को तोड़ने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे बुढ़वा छोरा, अरे छोड़ो जानवर दले बुढ़वा मेरा। बाबा बोलते हैं, जब तक तुम सोन का पता नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और फिर बाबा ग्रैनी को मारना फिर से चालू कर देते हैं। खूनी पी ग्रैनी के मौत का तमाशा देख ही रहा होता है, तभी रॉड उठता है और गुल्ली बुली की रस्सियां को खोल देता है। ग्रैनी वहाँ से दौड़कर सोन को लाने के लिए भागती है, और अभी इधर खूनी पिक की तो खैर नहीं, तभी पीछे से कोई खूनी पिक के कंधे पर हाथ रखता है, और जैसे ही खूनी पिक पीछे मुड़कर देखता है तभी गुल्ली उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि खूनी पिक का पूरा दिमाग हिल जाता है, और फिर गुल्ली बुली और रॉड खूनी पिक को पकड़ लेते हैं। गुल्ली बोलता, बाबा जल्दी से उस चैनसो को उठाओ और इस खूनी पिक के दोनों पैरों को काट दो। बाबा जमीन से चैनसो को उठाते हैं और खूनी पिक की तरह बढ़ने लगते हैं। I'm really sorry. Sit down. Sit down. और इधर ग्रैनी भी सोन को गोद में उठाकर ले आई है, और जब ग्रैनी देखती है कि बाबा खूनी पिक्की ऐसी हाल कर रहे हैं, तो ग्रैनी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। और इधर बाबा खूनी पिक्की जान ले चुके हैं। सोन बाबा के पास जाता है, सारे लोग सोन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। गुल्ली बोलता है, सोन तुम यहाँ पर कैसे आए? सोन बोलता है, मुझे यहाँ पर ग्रैनी लाई है। और जब ग्रैनी देखती है कि बाबा खूनी पिक के पैरों को काट रहे हैं, तो फिर वो यहाँ से दुम दबाकर भाग गई। बुल्ली बोलता है, बाबा ग्रैनी को मारना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो आगे हम पर हमला भी कर सकती है। बाबा बोलते हैं, इसकी चिंता तुम मत करो, मुझे पता है कि ग्रैनी कहाँ है। और इधर ग्रैनी जंगल के अंदर ही एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छिप चुकी है। ग्रैनी की मौत के बाद सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शाउट आउट दूं, तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा से कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।